कई सालों बाद इस जगह पर वापस आकर काफी अच्छा लगा सब पहले जैसा है आदित्य ने इस जगह को काफी अच्छे से रखा था आदित्य सर से मैं अक्सर इसी जगह मिलती थी वो यहीं से इस केस पर काम कर रहे थे खैर, तो आप बताओ कि असल में माजरा क्या है आदित्य सर ने मुझे अंडर कवर रहकर होम मिनिस्टर के इकलौते बेटे संजय मेहता पर नजर रखने को कहा था क्योंकि उन्हें शक था कि संजय की कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग या यूं कहें कि हवाला के जरिए कई बड़े पॉलिटिशियंस बिजनेसमैन और यहां तक कि कई पुलिस वालों के लिए भी उनके ब्लैक मनी की हेरा फेरी करता था और होम मिनिस्टर का बेटा होने की वजह से उस पर कोई भी कार्रवाई करने से डरता था और शायद यही गलती आदित्य ने कर दी थी हाँ भी और नहीं भी क्योंकि आदित्य सर ने सिर्फ मुझे ही संजय पर नजर रखने को कहा था उन्होंने कभी भी डायरेक्टली संजय के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया वो बस इतना चाहते थे कि संजय और होम मिनिस्टर के खिलाफ इतने सबूत इकट्ठे हो जाएं कि जब वो उन पर एक्शन लें तो उन्हें कोई भी रोक ना सके आदित्य के इस प्लान के बारे में क्या सर ही जानती थी नहीं कोई और भी था लेकिन आदित्य सर ने मुझे उसके उसके बारे में कभी कुछ बताया नहीं उसे शायद सब पता था और वो आदित्य सर के साथ ही इस केस पे काम कर रहा था आदित्य सर उसको निंजा कहकर बुलाते थे शायद ये उसका कोड नेम हो। मतलब उस निंजा की जान को भी खतरा हो सकता है हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना पड़ेगा मुझे इस केस से जुड़ी सभी जानकारियाँ चाहिए जितना भी तुम जानती हो सुनैना राज को सब बता देती है जितना कुछ भी उसे पता था और फिर शेखावत को एक एनवलप देते हुए कहती है ये लीजिए शायद मुझे ये अब आपको दे देना चाहिए ये क्या है? पता नहीं मैंने इसे कभी खोल के नहीं देखा आदित्य सर ने मुझे ये दिया था उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा पागल दोस्त मुझे ढूंढने जरूर आएगा उसे ये देना बाकी वो खुद समझ जाएगा उसे अच्छे से पता था कि मैं उसे ढूंढने जरूर आऊंगा उसके जीते जी तो मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सका लेकिन उसकी मौत में जो लोग भी शामिल हैं उनको नहीं छोड़ने वाला मैं भी आपके साथ हूं सर सर तुम्हारे मुंह से सर सुन के अच्छा लगा सारी पुरानी बातें और पुराने केसेस भी याद आ गए लेकिन ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है तुमने मेरी वजह से पहले ही काफी मुसीबतों का सामना किया है मैं तुम्हें और मुसीबत में नहीं डाल सकता मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तुम जितनी जल्दी हो सके इस शहर को छोड़ दो तुम्हारे लिए मुंबई में रहने का सब अरेंजमेंट कर दिया है तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी क्या बात है सर आपने काफी आसानी से यह कह दिया शायद आप भूल रहे हैं जब मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी तब आदित्य सर ने ही मुझे एक नई जिंदगी दी मुझे जिंदा रहने का एक मकसद दिया था और आज जब मुझे उनके लिए कुछ करने का मौका मिला तो आप वो मौका मुझसे छीनना चाहते हैं देखो सुनैना मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है लेकिन तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो इन सब से बहुत दूर मैं वादा करता हूं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी ये लो। मुंबई जाने की आज रात की टिकट नहीं सर मैं कहीं नहीं जा रही हूं आपको मुझे अपने साथ नहीं रखना तो कोई बात नहीं मैं अकेले ही आदित्य सर के मर्डर केस पर काम करूंगी आपको अच्छा लगे चाहे बुरा कांट so, तुम आज भी वैसे ही जिद्दी हो मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ बदल गया है अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकता नहीं सर जो मेरी किस्मत में था वही हुआ मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं हमेशा आपको ही दोष देती आई हूँ लेकिन सच बात तो यह है कि मुझे पता है उस वक्त आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे और अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी वही करती ठीक है तो अब एक नई शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमें निंजा को ढूंढना होगा जो आदित्य के साथ इस केस पर काम कर रहा था वही हमारे इस केस में अगली कड़ी है सुनैना और राज शेखावत दोनों इस केस को एक साथ आगे बढ़ाते हैं और निंजा को ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं वहीं दूसरी ओर जो एनवलप सुनैना ने राज शेखावत को दिया था शेखावत उसे खोल देते हैं जिसमें एक पेन ड्राइव निकलता है वो जैसे ही उस पेन ड्राइव को चेक करते हैं तो उसमें उन्हें इस केस से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी मिल जाती है सुनना क्या हुआ सर एक मिनट ये देखो। आदित्य ने तो सबूत हैं कि हम होम मिनिस्टर उसके बेटे के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकते हैं लेकिन सर हम लोगों की बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा और वैसे भी आप रिटायर हो चुके हैं लीगली अगर हम कुछ करने गए तो पासा उल्टा भी तो पड़ सकता है तो तुम क्या चाहती हो यहाँ बैठ के मैं उन लोगों को खुली हवा में आजाद घूमने दू जिन लोगों ने मेरे दोस्त के और एक ईमानदार ऑफिसर की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी मे, मेरा मतलब वो नहीं था सर पर हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारी इस केस में लीगल तरीके से मदद कर सके शायद तुम सही कह रही हो मेरी नजर में है कैसा शख्स जो हमारी मदद कर सकता है पर पहले उसे थोड़ा और पर रख आओ, कैसे आना हुआ वो? वो भी इस समय क्या परेशानी है परेशानी नहीं सर ये कहिए कि मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है क्या बकवास कर रहे हो सीधे सीधे बताओ बात क्या है सर जी जिस ऑफिसर की हत्या की साजिश आप रच रहे थे उसकी मौत के बाद उसका दोस्त उस केस को खुद संभालने वाला है कौन ऑफिसर है उसका ट्रांसफ़र करवा देते इतना घबरा क्यों रहे हो सर वो पहले से ही रिटायर हो चुका है क्राइम ब्रांच से तो फिर क्यों इतना डर रहे हो उसको भी काट के कहीं फेंक देते हैं क्या उखाड़ लेगा वो इस द ग्रेट उदय प्रताप का सर वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है बहुत ही चालाक और खतरनाक है एक बार कोई केस हाथ में लेता है तो उसे खत्म किए बिना छोड़ता नहीं और यह मामला सिर्फ एक केस का नहीं उसके दोस्त की हत्या का भी है सी कौन सी तोप है वो अकेला क्या उखाड़ लेगा चतुराई और सावधानी से शिकार करता है और तब उससे बच पाना नामुमकिन होता है बस बहुत हुआ बंद करो अब उसकी वाहवाही करना और ये बताओ कि कौन है वो नाम क्या है उसका डीसीपी राजेखावत